मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएससी इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आज आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विकी चौधरी फ्रॉम सीकर आज आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 03 मैट्रिक्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस और कंप्लीट एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। आज अपन एक्सरसाइज 3.2 में प्रवेश कर रहे हैं। उससे पहले अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिएगा। मैट्रिक्स पर संक्रिया यानी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, यानी अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स पे जो भी होने वाले ऑपरेशंस है उनके बारे में आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहला ऑपरेशन अपने पास ले रखा है क्या, एड। एड का मतलब जोड़ करना यानी एडिशन, ओके। नेक्स्ट स्टेप पर ले रखा है अपने पास व्युत्क्रम यानी कि बाकी, सबट्रैक्शन करना अपने पास। फिर गुणन कर दे रखा है यानी मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। फिर अपने पास दे रखा है अदिश गुणन, अदिश गुणन का मतलब इसमें क्या दे रखा है, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। फिर अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसी बुक एनसीईआरटी की, जो अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास मैट्रिक्स योग गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस, ओके। नेक्स्ट स्टेप में इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी का बारे में जिक्र किया गया जो है क्रम विनिमेयता यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टेप में है सहचर्यता यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है योज्य तत्समक, ठीक है। इस प्रकार से योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। फिर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में आएगा योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। फिर आएगा आपके पास क्या, निरसंगता नियम। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी है जिनके बारे में आज की क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। मैं इजी इजी एग्जांपल के माध्यम से इन प्रॉपर्टीज को यानी इन ऑपरेशंस को समझाने की कोशिश करूंगा। आप सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एड करना सीखेंगे, यानी कि आपके पास जैसे टू मैट्रिक्स है, थ्री मैट्रिक्स हो या थ्री से भी क्या हो, ज्यादा मैट्रिक्स हो, उनको क्या करें, जोड़े। तो जोड़ने की क्या क्या कंडीशंस होंगी, यानी ऐड करना, ओके। तो सबसे पहले एक बार इनके बारे में देख लेना, इनकी जो बेसिकली चीजें हैं वो अपन को समझना है, ऐड करना, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन पेपर में ऐड करने से संबंधित एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे ये 3 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, इससे 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन यानी 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यानी इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या ए सेक्शन से और बी सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, ओके, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो हम बात करते हैं, देखो अब इसमें एक क्वेश्चन जो एक नंबर का है और दो नंबर वाले क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है वो हो सकता है एडिशन में से आ जाए, हो सकता है सबट्रैक्शन में से आ जाए, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में से आ जाए। इस प्रकार से आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, तो इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले मैं आपको ऐड करना सिखा रहा हूं, यानी फर्स्ट ऑपरेशन में आ रहे हैं। फर्स्ट ऑपरेशन अपने पास क्या है कि ऐड करना यानी कि योग करना, किनका, टू या थ्री या फोर मैट्रिक्स का। तो एक बार में बेसिकली जो कंडीशंस नियम से वो बता दूं, देखो कि आप किन टू मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। पहली बात अपने पास क्या होना चाहिए, जैसे मेरे पास कोई टू मैट्रिक्स है, एक तो मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, यानी मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, ठीक है, ये टू मैट्रिक्स है। अब मैं दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो ऐसे कैसे मैं ऐड करूंगा, दिस इंप्लाइज कि ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, यानी मैं मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को जोड़ना चाहता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस ऐड करने के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो क्या है, योग है। तो आप दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हो, नंबर एक फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो बोथ में मैट्रिक्स है उनका जो ऑर्डर है यानी क्रम वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि दोनों मैट्रिक्स का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी इनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये लो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करें क्या, जैसे ही ऑर्डर इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं,
उन टू मैट्रिक्स को इजीली रूप से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अपने पास पहले कंडीशन सी, यदि आप टू मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। दो से ज्यादा मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हो तो उन सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं। देखो इधर सबसे पहले मेरे पास टू मैट्रिक्स है, इधर देखना, ए मैट्रिक्स मेरे पास इस प्रकार से है जिसके एलिमेंट्स मैंने राइट कर दिए इसे जनरली एग्जांपल के रूप में कि 1 2 और 3, फिर मैंने राइट किया इसे 4 5 और 6, ठीक है। और एक मैट्रिक्स मैंने इसे लिया बी मैट्रिक्स, ये लो बी मैट्रिक्स, जो इस प्रकार से रख दिया कि 0 माइनस 1 2 ये लो 3 4 और 6, ये टू मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, टू मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ऐड कौन सी कंडीशंस में होंगी, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को ऐड करना है, तो ये क्या है इसके एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो फाइंड करना सिखाया था। देखो यहां ऑर्डर होता है m क्रॉस n, यानी m किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या। तो यहां पंक्ति यानी कि रो कितनी है, देखो यहां देखिएगा, ये तो है रो नंबर फर्स्ट और ये है रो नंबर सेकंड, ओके। यहां देखिएगा ये कॉलम नंबर फर्स्ट, ये कॉलम नंबर सेकंड और ये कॉलम नंबर थर्ड, तो इसमें तीन तो क्या हो गए कॉलम यानी तीन तो स्तंभ बन गए और दो क्या बन गई पंक्ति। तो इधर देखिएगा ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स बना है, टू रो है तो टू क्रॉस थ्री कॉलम से थ्री, इस ऑर्डर का क्या हो गया मैट्रिक्स हो गया। जरा देखिएगा नेक्स्ट जो तुम्हारे पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इसके लिए देखो ये तो इसका क्या हो गया रो नंबर फर्स्ट, ये हो गया रो नंबर सेकंड, ओके। अब हम बात करते हैं, देखो रो नंबर फर्स्ट रो नंबर सेकंड, इसमें भी कॉलम कितना है, कॉलम नंबर फर्स्ट कॉलम नंबर सेकंड और ये हो गया कॉलम नंबर थर्ड, ओके। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, ऐसे नंबर ऑफ रो यानी कि 2 क्रॉस, ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि 3, यानी 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है और 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, ओके। अब इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स वो कितने होंगे, 2 × 3 यानी 6, ये देख लो 6 एलिमेंट्स है। अब हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो वैसे कैसे ऐड करूंगा, देखो मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इज इक्वल। अब क्या प्राप्त होगा, यदि मैट्रिक्स ए को बी में यदि हम ऐड करेंगे, याद रखना भाई किन्हीं भी मैट्रिक्स किन्हीं दो या तीन या इससे ज्यादा मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हो, यानी आपके पास जैसे 2 मैट्रिक्स है 3 मैट्रिक्स है, उनसे भी क्या है ज्यादा मैट्रिक्स आपके पास है, तो आप उनको ऐड कर रहे हो, तो आपको पहला स्टेटमेंट ये ध्यान रखना है कि उनका जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, आप जैसे ही ऐड करोगे तो ऐड करते ही इनकी क्रॉस बॉन्डिंग एलिमेंट्स है यानी कि संगत अवयव में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा। देखना इधर इस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है 1, तो इधर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है 0, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले पंक्ति के पहले अवयव में जुड़ जाएगा, यानी ए मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का पहला अवयव है वो बी मैट्रिक्स की पहली पंक्ति के पहले अवयव में जुड़ गया, यानी कि क्रॉस बॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो गया, क्रॉस बॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड हो गया। तो देखिएगा एक बार इधर ये लो 1 + 0, ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट पे जुड़ जाएगा किसके, बी मैट्रिक्स के, क्योंकि ये क्या है ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है जिसको ऐड करना है किसमें, बी मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट्स को। तो इधर देखिएगा ये 3 ये 2 प्लस होगा किसमें, इस माइनस वन में, ये लो माइनस वन, ओके। नेक्स्ट स्टेप देखो इसी प्रकार से ये जो 3 है वो क्या होगा इस 2 के अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये लो 3 + 2, ओके, ये लो मैंने राइट कर दिया। अब आगे की बात करता हूं, इधर देखिएगा अभी तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है ऐड हुए, अब सेकंड रो की बात कर रहा हूं, तो सेकंड रो में देखो यहां 4 है और यहां क्या है 3 है, तो ये लो 4 + क्या हुआ
थ्री। फिर देखो यहाँ फाइव है और यहाँ क्या है फोर है, तो ये लो फाइव प्लस फोर। ओके नेक्स्ट स्टेप में ये सिक्स है, ये क्या है सिक्स, तो ये लो सिक्स प्लस सिक्स। ओके डिसम्पलाइज आपको रिजल्ट क्या मिला इधर देखिएगा, यानी ए प्लस बी, यानी मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को ऐड किया, ऐड करने पर अपने पास जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला डिसम्पलाइज इस प्रकार से मैं राइट कर देता हूं, यहां फाइनली रिजल्ट मिला देखो 1 के अंदर 0 को ऐड किया तो 1 आ गया, ये राइट कर दिया। फिर 2 के अंदर -1 को ऐड किया तो प्लस का 1 आ गया, ये लो राइट। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बेटे 3 के अंदर मैंने 2 को ऐड किया तो क्या आ गया 5, ये लो राइट। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया 4 के अंदर 3 को ऐड किया तो क्या हो गया 7, ये लो मैंने राइट कर दिया 7। फिर देखो 4 के अंदर क्या किया 5 को ऐड किया तो क्या हो गया 9, ये लो मैंने 9 राइट कर दिया। और ये 6 और 6 क्या हो गया 12 राइट हो गया। ओके तो ये किस ऑर्डर का हुआ देखिएगा, इधर देखो आप सबसे पहले ये तो हो गया रो नंबर फर्स्ट यानी पंक्ति संख्या 1, ये हो गया रो नंबर सेकंड पंक्ति संख्या 2, फिर ये आता है कॉलम नंबर फर्स्ट, ये हो गया कॉलम नंबर सेकंड और ये हो गए कॉलम नंबर थर्ड के एलिमेंट्स। अब मैं इसका ऑर्डर राइट करूंगा तो ऑर्डर क्या होगा n क्रॉस n होगा, यानी कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके नंबर ऑफ रो कितना है 2, 2 क्रॉस 3। तो अब इसका ऑर्डर देखिएगा और पहले वाली जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर देखिएगा, तीनों का ऑर्डर क्या आ रहा है 2 क्रॉस 3। तो इससे एक रिजल्ट निकल रहा है कि यदि हम दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हो तो उन सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए, यानी उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ठीक है यदि समान ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप उनको जोड़ सकते हो, अन्यथा आप उनको जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहां क्रॉस बॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्रॉस बॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड होता है संगत अवयव, यानी एक मैट्रिक्स के सभी संगत अवयवों को दूसरी मैट्रिक्स के सभी संगत अवयवों के साथ क्या किया जाता है जोड़ा जाता है और जोड़ करके एक नई मैट्रिक्स का निर्माण किया जाता है और प्राप्त होने वाली नई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी उन्हीं मैट्रिक्सों के क्या होता है इक्वल होता है। तो ये अपन ने क्या करना सीखा जोड़ करना सीखा, इस प्रकार से हम दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को इजीली सी क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। अब हम बाकी करना सीखेंगे यानी सेपरेट करना सीखेंगे, देखो व्यवकलन करना सेम इसी तरह से है, सेम इसी टाइप से हम क्या करेंगे सेपरेट करना सीखेंगे। इधर देखिएगा एक बार आपके पास जैसे टू मैट्रिक्स है, ठीक है सबसे पहले व्यवकलन करना सिखा दो, व्यवकलन करना नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 व्यवकलन करना यानी सेपरेट करना। यह अब हम क्या सीखेंगे सेपरेट करना सीखेंगे यानी व्यवकलन करना सीखेंगे, ठीक है बाकी करना। अब देखिएगा मेरे पास क्या जैसे टू मैट्रिक्स है, अब थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है इसमें कि मेरे पास क्या ए मैट्रिक्स है और ए क्या है एंड बी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, ठीक है दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या करूंगा घटाऊंगा यानी लेस कराऊंगा। अब मेरे पे डिपेंड करता है देखिएगा, मैं एक तो ऐसे ऐड कर सकता हूं दिस इंप्लाइज ए माइनस बी मैट्रिक्स, एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है दूसरा तरीका क्या ऐसे कर सकता हूं बी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स, इन दोनों स्टेटमेंट है उनमें रात दिन का अंतर है, ये कभी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि जो बाकी है सबट्रैक्शंस है उसके अंदर मैट्रिक्स ऑर्डर जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो हम सबसे पहले नॉर्मली एग्जांपल लेके पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या करते हैं व्यवकलन करना सीख रहे हैं, तो एक बार इधर देखो वही कंडीशंस होंगी जो ऐड करने की कंडीशन थी कि आप दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को क्या कर रहे हो बिठा रहे हो, तो उन दो या दो से अधिक मैट्रिक्स के क्या होने चाहिए ऑर्डर समान होने चाहिए, यानी सीधी सी बात है कि जिन मैट्रिक्स को आप जोड़ोगे या जिन मैट्रिक्स को आप घटाओगे तो उन सभी के क्या होने चाहिए ऑर्डर समान होने चाहिए। ओके मैंने क्या किया दो मैट्रिक्स आपके सामने रखी है, मैंने ये दो एलिमेंट्स ले लिया, एक मैट्रिक्स मेरे पास है
ऐसे 1 4 और 2 6 है, ओके ये मैट्रिक्स राइट कर दी। नेक्स्ट मैं मैट्रिक्स लेता हूं, मेरे पास जैसे दूसरी मैट्रिक्स है, ऐसे मैट्रिक्स बी जिसके एलिमेंट्स मैंने ऐसे राइट कर दिए कि 2 6 है और राइट कर दिया जैसे 3 4, ओके। अब मैं दोनों स्थितियों पे बात करता हूं, देखो सिचुएशन नंबर फर्स्ट और सिचुएशन नंबर सेकंड, यानी पहले बात करेंगे हम सिचुएशन नंबर फर्स्ट, यानी ए मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स बी, यानी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स में से मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को क्या करना है, निकालना है, लेस करना है, ठीक है। तो मैं यहां राइट कर रहा हूं, इसके लिए सबसे पहले पहली कंडीशन, आप जिन मैट्रिक्स को लेस करवा रहे हो उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। पहले आप ये चेक कर लो कि इनके ऑर्डर इक्वल है या नहीं है। इधर देखिएगा, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, आराम से पता चल सकता है ऑर्डर कैसे मैच किया भाई। इसमें 2 ही तो पंक्तियां है, 2 ही क्या है कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, इसलिए 2 क्रॉस 2 और ये 2 क्रॉस 2, यानी ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स, ओके। अब बात करते हैं, देखो ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स, ओके। मैं क्या करूंगा, जब भी अपन 2 मैट्रिक्स को क्या करते हैं, लेस करते हैं, यानी ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को घटाते हैं, तो जिस प्रकार से हमने ऐड करना सीखा था सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लेस करना भी सीखेंगे। तो क्या किया जाएगा, इधर देखो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स में से मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को क्या करना है, लेस करना है। तो इधर देखिएगा, सबसे पहले मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स चेक करो क्या है, 1 4 2 और 6, ऐसे ही मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स क्या है, 2 6 3 और 4, ओके। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैट्रिक्स ए के एलिमेंट से मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को लेस करूंगा, ये लो एक फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है 1, उसमें से लेस करना है माइनस बी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये 2, ओके। नेक्स्ट स्टेप देखो, ऐसे ही फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट्स क्या है 4, तो 4 में से मैंने क्या किया 6 को लेस करवा दिया, यानी सीधी सी बात है ए माइनस बी है तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स में से मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को क्या कर दो, लेस कर दो, घटा दो, यानी क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट्स में से क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा दो, ठीक है, ये लो ये मैट्रिक्स तैयार हो गई। अब मैंने क्या किया, यहां देखिएगा 2 माइनस 3, इसके क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट्स ये बन गया संगत अवयव, ऐसे ही 6 का क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है 4 है, मैंने ऐसे कैसे राइट कर दिया कि 6 माइनस 4, दिस इंप्लाइज देखो रिजल्ट क्या फाइंड किया, रिजल्ट अपने पास ऐसे मिला, ऐसे कैसे राइट कर दिया मैंने कि देखो 1 में से 2 लेस हुआ तो माइनस का 1 आ गया, ये राइट कर दिया मैंने माइनस का 1, फिर इधर देखो 4 में से 6 गया तो माइनस के क्या आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहां 2 में से 3 गया तो क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, ये लो माइनस 1 राइट कर दिया, ओके। और यहां 6 में से 4 गया तो क्या आ गया 2 आ गया, ये लो 2 राइट कर दिया, ये भी क्या हुआ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो सीधी सी बात क्या हुई, ए माइनस बी की बात करूं मैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स में से क्या करना है, बी के एलिमेंट्स को लेस करवाना है, ओके। अब इसी का जस्ट अपोजिट इधर देखिएगा, इस पे चर्चा करते हैं सेकंड सिचुएशन पर, बी माइनस, तो ये भी सेम ऐसे कैसे होगा, देखो बी माइनस ए, यानी ये स्टेटमेंट ये कह रहा है यानी बी के जो एलिमेंट्स है उसमें से क्या कर दो, ए के एलिमेंट्स को लेस कर दो, ओके। तो इधर देखिएगा, मैं सबसे पहले बी के एलिमेंट्स लूंगा, बी का एलिमेंट्स क्योंकि बी माइनस ए है, यहां ऑर्डर फॉलो कर रहा है, क्रम विनिमेयता का नियम लागू नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इधर देखो, सबसे पहले ये कह रहा था ए माइनस बी, तो ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स लेस करवा दिए, अब ये कह रहा है बी माइनस ए, तो बी के जो एलिमेंट्स है उसमें से किसके, ए के एलिमेंट्स को लेस करवाओ, ठीक है। तो बी का एलिमेंट्स देखो क्या है 2 है, तो 2 का जो क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट्स है ए मैट्रिक्स का वो देखो, तो 2 का संगत अवयव क्या है 1 है, तो ये लो 1 को मैंने इससे हटा दिया, ये फर्स्ट एलिमेंट्स बन गया। अब देखो आगे, ऐसे ही बी का सेकंड एलिमेंट्स क्या है 6, इसमें से क्या करना है, लेस करना है किसके एलिमेंट्स को, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को, तो मैट्रिक्स
का एलिमेंट्स 6 के क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 4 है, तो ये लो 4 को मैंने इसमें से लेस कर दिया। ओके नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप फिर आते हैं, देखो यहां बी का एलिमेंट्स क्या है 3 माइनस ए का एलिमेंट्स क्या है 2, फिर देखो इधर यहां बी का एलिमेंट्स क्या है 4 माइनस यहां क्या है 6, यानी सीधी सीधी बात हो गई, यानी मैट्रिक्स बी के जो बी संगत अवयव है उनमें से मैट्रिक्स ए के संगत अवयव को घटाना है, और यदि ए माइनस बी आ जाए तो इसका मतलब क्या करना है, जो ए के एलिमेंट्स है उसमें से बी के जो संगत अवयव है उनको क्या करना है घटाना है। चलो आप बता दो जैसे रिप्लाइज, देखो क्या रिजल्ट मिला आपको जल्दी देखते जाना, ए दो में से एक है तो क्या आ गया एक प्राप्त हुआ, ये लो एक हुआ। नेक्स्ट स्टेप में 6 में से 4 गया तो क्या आ गया 2 आ गया, फिर आगे देखिएगा 3 में से 2 गया तो क्या आ गया 1 आ गया, ऐसे ही यहां 4 में से गया तो क्या आ गया माइनस का 2 आ गया, यानी अपने पास इससे प्राप्त हुआ कि 2 माइनस 1 इज इक्वल 1, 6 माइनस 4 इज इक्वल 2, और 3 माइनस 2 इज इक्वल 1, और 4 माइनस 6 इज इक्वल माइनस 2। तो ये अपने पास ये क्या हो गया नया मैट्रिक्स प्राप्त हुआ जो किसका रिजल्ट था b माइनस a मैट्रिक्स का। अब अपन थोड़ी सी तुलना करवाएं कि इस वाले रिजल्ट में इस रिजल्ट में तो इनमें क्या है काफी अंतर नजर आएगा, इसलिए मैं कह रहा था कि a माइनस b और b माइनस a दोनों क्या होंगे अलग अलग स्टेप्स होंगे, यदि आप a माइनस b यानी मैट्रिक्स a में से मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स घटाते हो तब आपको एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, और B मैट्रिक्स में से A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स घटाते तो आपको नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ये अपन ने क्या सीखा टू मैट्रिक्स को लेस करवाना सीखा। अब अपने इसकी लास्ट जो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई करना, यानी टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कंडीशंस क्या होंगी उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करवा पाएंगे, तो एक बार इधर देखिएगा मैं टू मैट्रिक्स लेता हूं, इजी एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करना क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशंस है वो रो एंड कॉलम या कॉलम एंड रो को मल्टीप्लाई करने का आएगा। तो सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं यानी गुणा करना, ठीक है तो कंडीशंस बता रहा हूं इधर देखना गुणनफल यानी मल्टीप्लाई गुणा करना किनको टू मैट्रिक्स को या थ्री मैट्रिक्स को, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जो मैंने इसे ऐड कर दिया एलिमेंट्स है आई जे यानी कि एम क्रॉस एन ऑर्डर की, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया एक बी मैट्रिक्स लिया, बी मैट्रिक्स ऐसे कैसे राइट कर दिया बी इज इक्वल जिसके एलिमेंट्स मैंने बी आई जे द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया यानी उसके एलिमेंट्स अलग है उसका ऑर्डर मेरे पास क्या है एम क्रॉस एन है। अब देखो यहां इसका ऑर्डर यदि एम क्रॉस एन है तो मैं इसका ऑर्डर बदल देता हूं ताकि इजीली अपन को क्या जाए समझ में आ जाए, ठीक है। अब सबसे पहले इधर देखिएगा मैं इसी स्टेप को ऐसे करूं कि n क्रॉस p, n क्रॉस p। अब आप इधर देखो सबसे पहले एक मैट्रिक्स a है दूसरी मैट्रिक्स क्या है b है, मेरे को क्या करना है a डॉट b यानी मैट्रिक्स a को b से मल्टीप्लाई करना है यानी दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है। अब गुणा करने के लिए जो कंडीशंस है वो क्या है देखो आप दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स को यदि मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो ये क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यानी मैंने यहां से रिप्रेजेंट किया था एम क्रॉस एन इसी को मैंने फिर एम क्रॉस पी बना दिया, अभी मैं इसको ऐसे कहूं कि ए आई जे ये कोई एलिमेंट्स है मैंने इसे राइट कर दिया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ठीक है। और इसी को मैं इसे राइट कर दूं कि कोई बी मैट्रिक्स है आई कोमा जे, ओके जो मैं इस प्रकार से राइट कर दूं 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, ठीक है। तो यहां देखिएगा फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है, यदि ऐसी सिचुएशन होगी तो ही हम क्या करेंगे टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकेंगे, यदि ऐसी सिचुएशन नहीं है तो अपन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करवा पाएंगे। तो मेरे द्वारा दी गई क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, मैं समस्त स्टूडेंट से अनुरोध करूंगा
कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।